यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर, कक्षा 10th, प्रश्नावली 7.2, प्रश्नावली 7.2, प्रश्नावली 7.2 है ये, ठीक है ना। इसमें पूर्व कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, पूरक कोणों की त्रिकोणमिति अनुपात, पूर्व कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, पूर्व कोण जब दो कोणों का योग, यानी पूर्व कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात दो कोणों का योग जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, वे दोनों कोण, वे जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, वे दोनों कोण पूरक कोण कहलाते हैं, पूर्व कोण कहलाते हैं। जैसे समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज एबीसी में ए बी और सी, कोण बी बराबर है 90 डिग्री, समकोण कोण ए और कोण सी पूरक कोण है, कोण ए प्लस कोण सी बराबर होगा 90 डिग्री। कैसे? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण ए कोण बी और कोण सी बराबर 180 डिग्री, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 माइनस कोण बी, कोण बी कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 माइनस 90 डिग्री बराबर आ गया 90 डिग्री, कोण ए प्लस कोण सी 90 डिग्री। अब देख कोण ए और कोण सी, कोण ए व सी पूर्व कोण है, तो पूर्व कोणों का योग, पूर्व कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात जब दो कोणों का योग कितना 90 डिग्री हो, वे दोनों कोण पूर्व कोण कहलाते हैं। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, ई व सी पूर्व कोण है, तो कोण ए प्लस सी बराबर 90 डिग्री होगा। समकोण त्रिभुज एबीसी में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, कोण ए प्लस सी 180 माइनस बी, बी की जगह रख दिया मैंने 90 डिग्री, बी की जगह रख दिया मैंने 90 डिग्री, कोण ए प्लस सी बराबर 90 डिग्री। अब देखो इनके अनुपात, पूर्व कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात देखो, साइन 90 माइनस थीटा चेंज होगा कॉस थीटा में, कॉस 90 माइनस थीटा चेंज होगा आपके साइन थीटा में, टेन 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा आपके कोट थीटा में, कोट 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा टेन थीटा में, सेक 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा आपके कोसेक थीटा में, और कोसेक 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा आपके सेक थीटा में। ये आपको 6 त्रिकोणमिति पूर्व अनुपात कोण परिवर्तन होता है
साइन डिग्री माइनस थीटा साइन किस में चला जाएगा, कोज में, कोज डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा साइन में, टेन डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा कोट में, और कोट डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा टेन में, सेक डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा कोसेक में, और कोसेक डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा टेन में। अब देखो इससे त्रिकोणमितीय अनुपात से मान कैसे ज्ञात करते हैं, अपन एग्जाम्पल लेते हैं, एक टेन गुण पचास और कोट इकतालीस का मान ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, मान ज्ञात। देखो आप इकतालीस प्लस गुण पचास दोनों पूर्व कोण है, पूर्व कोण का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है, कितना होता है 90 डिग्री। अब चाहिए गुण पचास, तो ये आ जाएगा गुण पचास 90 माइनस इकतालीस, 90 माइनस इकतालीस लिख देंगे, तो देखो टेन गुण पचास की जगह लिख रहा हूं 90 माइनस इकतालीस, या नीचे कॉट इकतालीस। दोनों कोणों को चेंज नहीं करना, किसी एक कोण को चेंज करना है, अभी उसका मान आ जाएगा टेन 90 माइनस थीटा इसमें चेंज हो जाएगा कॉट इकतालीस में, और हाल में कॉट इकतालीस है, कॉट इकतालीस से कॉट इकतालीस किया कितना है, ये कैसे है देखो टेन 90 माइनस थीटा किसमें चेंज होता है कॉट थीटा, इसका यूज किया मैंने टेन 90 माइनस थीटा किसमें चेंज हुआ कॉट, तो टेन 90 माइनस इकतालीस है तो कॉट इकतालीस में चेंज हो गया, कॉट इकतालीस से कॉट इकतालीस चला गया कितना आया वन। पूरे कोण जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो समकोण त्रिभुज तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, कोण भी समकोण है, कोण ए बी पूर्व कोण है, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, कोण ए प्लस सी बराबर 180 माइनस बी, ए और सी बराबर 180 माइनस बी बराबर 90 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा चेंज हो गया कॉस में, कॉस 90 माइनस थीटा हो गया साइन में, टेन 90 माइनस थीटा हो गया कॉट में, कॉट 90 माइनस थीटा हो गया टेन में, सेक 90 माइनस थीटा हो गया कोसेक में, कोसेक 90 माइनस थीटा हो गया सेक में, टेन गुण पचास अपॉन कोट इकतालीस का मान क्या, इकतालीस प्लस गुण पचास 90 हो गया, गुण पचास 90 माइनस इकतालीस टेन 90 माइनस इकतालीस गुण पचास हो गया, टेन 90 माइनस थीटा किसमें चेंज हो गया कोट में, तो कोट इकतालीस हर में कोट इकतालीस कोट इकतालीस चला गया कितना आ गया अपने पास एक आ गया। अब ये पूर्व कोण है तो पूर्व कोण आपको आने चाहिए माइन इंपोर्टेंट डिस्पर्शनली में, पूर्व कोण साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। कोण परिवर्तन करना आना चाहिए पूर्व कोणों को, पूर्व कोणों की त्रिकोणमिति अनुपात जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो दोनों कोण एक दूसरे पूर्व कोण होते हैं, ठीक है। पूर्व कोणों से संबंधित कुछ एग्जाम्पल लेते हैं अपन, उससे आधारित सवाल लेते हैं, जैसे टेन 39 माइनस कॉट 51 डिग्री का मान ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। ये दोनों कोण पूरे कोण है आपस में, फिर भी देखो कैसे, देखो आप इधर ये आपके सॉल्व करते हैं इसको, टेन 39 माइनस कॉट 51, 39 प्लस 51 90, दोनों कोण पूर्व कोण है तो अपन कोण परिवर्तन करेंगे कैसे, देखो आप 39 की जगह मैं ऐसे लिख रहा हूं टेन 90 माइनस 51 डिग्री माइनस कॉट 51, टेन 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा कॉट थीटा में, थीटा की जगह कितना है 51, कॉट 51 डिग्री माइनस कॉट 51 डिग्री कट गया बराबर क्या आ गया जीरो।
इसका मान आ गया जीरो आ गया आपके पास। ठीक, एग्जांपल और लेते हैं अपन एक, देखो आप टेन पंद्रह, टेन पंद्रह, टेन बीस, टेन सत्तर, टेन पचहत्तर बराबर एक, सिद्ध करो। क्या करना है हमने, सिद्ध करना है। तो ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये आपकी है राइट हैंड साइड। तो ये सिद्ध करना है तो ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे अपन, टेन पंद्रह, टेन बीस, टेन सत्तर, टेन पचहत्तर। ठीक है, देखो मैं इसको इस प्रकार लिख रहा हूं, टेन पंद्रह, टेन पचहत्तर, टेन बीस और टेन सत्तर, ये दोनों पूर्व कोण है और ये दोनों भी क्या है पूर्व कोण। देखो आप टेन पंद्रह, ये पंद्रह प्लस पचहत्तर नब्बे और आपके बीस प्लस सत्तर बराबर नब्बे, ये दोनों कोण भी पूरक है एक दूसरे के, दोनों कोण एक दूसरे के पूरक है। तो देखो आप टेन पंद्रह को मैं लिख रहा हूं ऐसे, टेन नब्बे माइनस पचहत्तर, टेन पचहत्तर इसको अलग लिख रहा हूं, टेन बीस को लिख रहा हूं मैं टेन नब्बे माइनस सत्तर, टेन सत्तर, टेन नब्बे माइनस थीटा टेन नब्बे माइनस थीटा कोट थीटा कोट पचहत्तर, ये यार अपने पास टेन पचहत्तर इंटू कोट सत्तर इंटू टेन सत्तर, कोट पचहत्तर और टेन पचहत्तर यानी टेन थीटा कोट थीटा गुणनफल होता है एक, कितना होता है एक, इन दोनों का गुणनफल आ जाएगा एक इंटू एक बराबर आ गया अपने पास एक। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे राइट हैंड साइड आगे, बहुत ही अच्छा पर्सन है, बढ़िया पर्सन है और अच्छा पर्सन है। देखो आप टेन पंद्रह, टेन बीस, टेन सत्तर, टेन पचहत्तर बराबर एक लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर टेन पंद्रह, टेन बीस, टेन सत्तर, टेन पचहत्तर। तो आप देखो इधर टेन पंद्रह, टेन पचहत्तर, टेन बीस, टेन सत्तर, पंद्रह प्लस पचहत्तर नब्बे, बीस प्लस सत्तर नब्बे, टेन नब्बे माइनस थीटा, पंद्रह को लिखा मैंने टेन नब्बे माइनस पचहत्तर, टेन पचहत्तर, टेन बीस को लिखा टेन नब्बे माइनस सत्तर, टेन नब्बे माइनस थीटा हो गया कोट में चेंज, तो ये कोट पचहत्तर आ गया गुणा में टेन पचहत्तर इंटू ये कोट सत्तर इंटू टेन सत्तर, टेन थीटा कोट थीटा गुणनफल होता है एक, इसका मान पूरे का गया अपने पास एक, इसका भी मान पूरे का गया अपने पास एक, एक इंटू एक लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे थे और राइट हैंड साइड आपने आ गई। अच्छा पर्सन है, बहुत बढ़िया पर्सन है। प्रश्नावली 7.2 का पहला प्रश्न, त्रिकोणमितीय अनुपात आना चाहिए आपको। देखो ये कॉस और ये साइन, जब अनुपात के रूप में हो कॉस और साइन और दोनों का योग 90 डिग्री हो तो उसका मान हमेशा कितना एक आएगा, दोनों कोण एक दूसरे के क्या पूर्व कोण है। देखो आप इधर इसका हल करेंगे अपन, कॉस 37
साइन तेपन, सैतीस प्लस तेपन 90, दोनों एक दूसरे के पूर्व कोण है। अब आप चाहो तो कोस को चेंज कर सकते हो, चाहो तो साइन को चेंज कर सकते हो। तो देखो आप कोस 90 माइनस 53, नीचे के साइन 53, 37 को मैंने लिखा है ऐसे, 90 माइनस 53 तो 37 आ जाएगा, और कोस 90 माइनस थीटा इसमें चेंज होता है साइन थीटा में, ये पूर्व कोण है, अंतर का अनुपात आप पाना चाहिए। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 90 थीटा की जगह 53 है तो साइन 53 आ जाएगा अपॉन साइन 53 डिग्री। सेम संख्या से सेम संख्या कट गई, बराबर इसका मान आ गया अपने पास, ये आंसर आ गया आपके, बहुत अच्छा प्रश्न। और साइन को चेंज करोगे आप इसमें तो 53 की जगह 90 माइनस 37 लिखोगे, साइन चेंज हो जाएगा कोस 37 में, कोस 37 से कोस 37 कट जाएगा, उसका माना जगह है, ऐसे भी कह सकते हो। अब अपन करते हैं सवाल पहले का, सेकंड कोस सेक 32 डिग्री, सेक 58 डिग्री। तो आप देखो इधर 32 प्लस 58 90, दोनों एक दूसरे पूर्व कोण है, अपना कुछ ये कोसेक 32 तो ये कोसेक 90 माइनस 58 32 आ जाएगा अपने पास, ये सेक, पूर्व कोणों के अनुपात में देखो कोसेक 90 माइनस थीटा चेंज होगा अपने सेक थीटा में, कोसेक 90 माइनस थीटा चेंज होगा सेक थीटा में, कोसेक 90 माइनस थीटा होगा सेक थीटा में। तो आपके यहाँ हो जाएगा ये थीटा की जगह 58 है, सेक 58, सेक 58, सेम संख्या सेम संख्या कट गई, इसका मान आ गया एक, अपने पास आंसर आ गया एक। कोसेक और सेक दोनों पूर्व कोण के योग 90 है, तो कोसेक 32 है, कोसेक कोण 32, 32 को मैं 90 माइनस 58 लिख सकता हूँ, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा में, थीटा की जगह 58 है, सेक 58 सेक 58 कट गया। प्रश्न नंबर 3 देखो आप, टेन 10 और कॉट 80, ये भी दोनों कोण पूरे कोण एक दूसरे के, देखो टेन 80 ये हो गया 90। अब चाहो 10 की जगह अपन लिख सकते हैं 90 माइनस 80, 80 की जगह लिख सकते हैं अपन 90 माइनस 10। तो आप देखो 10 को चेंज कर रहा हूं मैं, 10 10 10 की जगह लिख रहा हूं 90 माइनस 80, दोनों को चेंज नहीं करना, किसी एक को चेंज करना है, कॉट 80 डिग्री, 10 90 माइनस थीटा हो जाएगा किसमें चेंज, कॉट थीटा, थीटा की जगह 80 है, कॉट 80 अपॉन कॉट 80 डिग्री बराबर आ गया एक, ये आपके आंसर आ गया, ये प्रश्न है आपके। देखो साइन वाला साइन कोस साइन कोस वाला कर दिया, कोसेक सेक वाला कर दिया, टेन कोट वाला कर दिया, इन तीनों में से किसी भी प्रकार का आधारित सवाल आ सकते हैं, ये आपके हो गया है सवाल। और नया सवाल करते हैं अपन, देखो त्रिकोण विधि अनुपात आना चाहिए आपको, अच्छे सवाल कन्वर्ट करना आना चाहिए, बढ़िया टेक्निक से आना चाहिए। दूसरे का पहला प्रश्न देखो, कोसेक 25 माइनस सेक 65, इसका हल करो, मान ज्ञात करो। देखो हल इसका करते हैं, कोसेक 25 माइनस सेक 65, ये 25 प्लस 65 90 डिग्री, यानी दोनों एक दूसरे के पूर्व कोण है, दोनों एक दूसरे के पूर्व कोण है। तो आप देखो पूर्व कोण है, तो कोसेक
25 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 65 माइनस 65 कोसेक 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा आपके सेक थीटा में, कोसेक 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा सेक थीटा में, थीटा की जगह 65 है, यहाँ आ जाएगा अपने पास सेक 65 माइनस सेक 65 डिग्री, ये आ गया बराबर जीरो, ये आपका मान आ गया सेक 65 माइनस सेक 65, सैमसंग या सैमसंग कट गई आ गया जीरो, कॉट 34 tan 56 कोट 34 माइनस 10 56, तो आप देखो ये 34 प्लस 56 90 दोनों एक दूसरे का पूर्ण कोण है, तो ये आपके कोट 34 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो कोट 90 माइनस 56 10 को चेंज करना नहीं है, एक ही चेंज करना है 10 56 कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा 10 थीटा, ये हो जाएगा आपको कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा, तो ये होगा 10 56 माइनस 10 56 से 10 56 गया इसका मान जीरो, ठीक। फिर आप देखो साइन 36 कोच 54, साइन 54 कोच 36, तो ये इसका भी हल करते हैं, देखो अपन साइन 36 कोच 54 माइनस साइन 54 कोच 36, दोनों में से कोई एक चेंज करना है, देखो 36 और ये 54 दोनों एक दूसरे के पूर्व कोण है, तो किसी एक को चेंज करना है, इसका आंसर चेंज करते हैं साइन 90 माइनस 54 को 54 यू पड़ा रहना दो आप माइनस, इसका भी अपना आंसर चेंज करते हैं साइन 90 माइनस 36 36, अंश और हर दोनों चेंज नहीं करने, अगर अंश चेंज कर रहे हो तो हर नहीं करना, हर करो तो अंश चेंज नहीं करना है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस 54 तो कॉस 54 और हर में कॉस 54 है अपने पास, माइनस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा की जगह 36 है 36 डिग्री, छत्तीस छत्तीस चला गया एक को चौपन से को चौपन चला गया एक, एक माइनस एक बराबर आ गया जीरो, ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, आपके प्रश्न है, देखो आपके सामने ये प्रश्न पड़े आपके, अच्छा प्रश्न है।